हूँ आप सब खैरियत से होंगे अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप इसखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो अपनी इस बहन को याद रखें इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी आज मैं आपको जो अमली वजीफ़ा बताने लगी हूँ खुद खूबसूरत लफ्ज़ या वू या वू ए मोहब्बत करने वाले अल्लाह वो यानी मोहब्बत करने वाला क्योंकि वो अपनी बंदों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करके फिर इनसे मोहब्बत करता है आम तौर पर मोहब्बत इस तरह होती है कि पहले महबूब अपने मुहब पर थोड़ा सा मेहरबान होता है जिससे मुहब महबूब से मोहब्बत करने लगता है अगर महबूब मुहब की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे तो मोहब्बत में गहराई पैदा हो जाती है यही वजह है कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे से मुहब्बत करता है मेहरबान होता है तो वो अपने बंदे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है दरअसल ये बंदे की मोहब्बत नहीं बल्कि अल्लाह की अपने बंदे की तरफ मुहब्बत होती है यानी अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं अपने नामों के ज़रिए सुनाचा अल्लाह की मोहब्बत अपने बंदे यानी जो नेक बंदे होते हैं जो अल्लाह का नाम लेने वाले होते हैं तो उनके लिए मखसूस कर देते हैं जैसा कि एक कौल है अमाम गजाली का कि या वू दरअसल अल्लाह की रहमत के मायनियों में से एक मायनी है चनाचा जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है तो अल्लाह इसे अपनी रहमत से माला माल कर देते हैं इसलिए जो बहन भाई अल्लाह का इस इसम को जैसा कि या वूद पढ़ कर हम जब अल्लाह को पुकारते हैं और कहते हैं या अल्लाह हमारा ये प्यारा ये हमारा जो चाहने वाला है हमसे रूट गया है हमसे दूर जा चुका है या अल्लाह पाक ये वापस आ जाए अल्लाह पाक इसे दुनिया में भी महबूब कर देते हैं और जिसके लिए दुआएं खैर कर रहा होता है जिसको अपने पास बुला रहा होता है अल्लाह पाक उसको भी उसके पास भेज देते हैं ये इसम इंतहाई, जलाली अमल है और इसके बेपना फैज़ और बरक़ात हैं और इसके जो अदाद हैं वो बीस हैं ठीक है थीके? तो जब आपने कभी किसी अपने प्यारे को आपने अपनी मुहब्बत में यानी कि माइल करना हो तस्खीर करना हो तो पहले अपने रब से अपना तल्ल जोड़ें देखें आप कहते हैं कि हमारा प्यारा रूट गया हमारा चाहने वाला रूट गया हमसे दूर है हमारे रिश्तों से दूर है हम अपने प्यारे को कैसे बुलाएं कैसे पुकारें एक बात याद रखें जब याद या, या वूद आप पढ़ते हैं तो आप अल्लाह के ऊपर तवक्ल रख के अल्लाह की ज़ात की तरफ देख के या वूदों का अमल किया करें अब या वूदों का अमल जैसा कि देखें आपका जो भी प्यारा है जिससे आप मोहब्बत करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं उसकी डोरी आपके दिल की डोरी मेरे दिल की डोरी सब की मेरे रब के हाथ में है जिसने या वुदू लफ्ज को पुकारा मोहब्बत पैदा की तो उसने मेरे रब को पुकारा जब दिलों की डोरिए इंसान के चलने फिरने खाने तक के हसूल मेरे रब के हाथ में है तो फिर क्यों ना हम उस प्यारे के जाके कदमों में गिरें उसके तरले मिनते करें कि हमें माफ़ कर दो या हमारे पास वापस अपने रब को मनाएं अपने रब के आगे सजदा भी करें तरले भी करें जो भी करना है अपने रब के आगे करें यकीन माने कि अगर आप या वूदों का विरध करते हैं ना तो तो मेरे बताए हुए तरीके से करें आपका प्यारा एक तो वापस पलट कर आएगा और बेपना मोहब्बत करेगा क्योंकि उसमें उस अपने या कि अल्लाह तला की मोहब्बत उसमें शामिल होगी यह बात याद रखें जब वो दोबारा पलट के आप पहले मोहब्बत कर रहे हो चाहत कर रहे हो किसी प्यारे को अपने पास बुला रहे हो वो मोहब्बत एक महनी रखती होगी मेरे ख्याल में लेकिन जो आप अमल करके या वदूदू का विर्द करके अल्लाह को याद करके आप जब अपने प्यारे को पुकारेंगे तो यकीन माने वो पागलों की तरह क्योंकि आप अल्लाह की मोहब्बत की कसम देकर उसको बुला रहे होते हैं अपने रब को मना रहे होते हैं या अल्लाह पाक या अल्लाह पाक उस प्यारे को भेज दें तो आज जो तरीका है वो गौर से सुने तीन सौ इकतीस मरतबा अब आखिर एक दफ़ा दुरूषी ज़रूर पढ़ें क्योंकि दुआओं को पर लग जाते हैं ठीक है तीन सौ इकत्तीस मरतबा आपने या वो दूद रात को पढ़ना है ठीक है चलते फिरते पढ़ लें रात को सोते वक्त पढ़ लें कोई मसला नहीं है आप चलते फिरते लेकिन अंधेरा हो यानी कि मगरब के बाद आप ये चलते फिरते पढ़ें या फिर दिल में बस आप रखें मैं अपने रब को पुकार रहा हूँ या पुकार रही हूँ अपने रब को मना रही हूँ अपने उस प्यारे को पाने के लिए जिन बहनों की शादी नहीं होती यकीन माने सिर्फ तीन दिन ये अमल करें तीसरे दिन ही इन हो सकता है सुबह ही आपका प्यारा लौट आए आप जिससे शादी करना चाहते हैं वहीं से पैगाम आ जाए और जो अपने प्यारों को पाना चाहते हैं वो भी तीन दिन अमल कर आपका प्यारा अगर सुबह लौट आता है आपकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा है आपका पढ़ना आपका पुकारना अल्लाह को इतना पसंद आ गया तो यकीन माने पूरी ज़िंदगी इतनी मोहब्बत इतनी चाहत कि क्यामत दिन तक ये जो उनसे बरकरार रहती है और इन मेरी दुआ है कि जो आप मतलब कि अलहमदिल्ला शादी या निकाह का बंधन अपने साथ जोड़ते हैं अल्लाह पाक आपको जन्तुल्फरडोस में भी इकट्ठा रखें और इन शह ये अमल चलते फिरते करना है कोई टाइम मुकर नहीं है बस ना कोई आपने वालदा का नाम लेना है ना कोई अपना नाम बस तस्वर क़ायम करें जिसको पुकारें बस उसको सोच में रखें और रात के वक़्त सोते वक़्त कर सकते हैं और आप यकीन माने जिस तरीके से अपने रब को पुकारेंगे तो वो तो रब जानता है ना आपके अपने अपने रब से कितनी मुहब्बत है कितनी चाहत है मैं आपको एक बात बताऊं किसी ने पूछा किसी अपने प्यारे से पूछा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो उसने कहा अपने दिल से पूछ लें जितना आप मुझसे प्यार करते हैं उतना को मैं आपसे प्यार करता हूँ तो ये मेरे रब की जो है इसी तरह मेरा रब है मेरा रब ये नहीं कहता कि मैं अपने बंदे से कितना प्यार करता हूँ मेरा बंदा इतना करता भी है कि नहीं जितना मैं प्यार करता हूँ नहीं वो तो वादा उल्लाश है और वो तो बेपना महब्बतों वो तो या वह दूध तो रब के लिए है ना ठीक है ना तो मोहब्बत करने वाला तो मेरा रब है लफ्ज़ है या वो दू दूँ मोहब्बत करने मोहब्बत करने वाले कौन है मेरा रब तो मेरे प्यारे बहन भाई अपने रब को पुकारें ना अपने रब से कहें अल्लाह पाक से कहें यला मेरा प्यारा लौट आए या वो दूँ ठीक है दुआ मांगे इन शाह जितना मैंने आपको क्वान्टिटी इतनी थोड़ी सी इतना काफ़ी है ठीक है आप इतना करें और तीन दिन करके देखिएगा और फिर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका प्यारा लोट आया है या नहीं लेकिन तरीका नीयत अच्छी हो ये ना हो नीयत आपकी मैंने आपको पहले भी कहा आप आ, गाने सुन रहे हो और आ, टीवी देख रहे हो या चुगली कर बखेली कर रहे हो ऊपर से या वो दूदू का जिक्र कर रहे हो ये गलत बात है ना ये गुनाह है इसी के साथ अपनी इस बहन को इजाज़त दे अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़